बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ब्लॉग टीवी और मैं हूं वसीम अब्बास। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आके पूछने लगा, ऐ रसूलुल्लाह के फर्जंद, अल्लाह किन लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं करता? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शख्स, मैंने अपने बाबा और उन्होंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह चार लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। पहला, जब कोई बेटा अपने बाप की खिदमत करता है, अपने माँ बाप से हुस्न सलूक से पेश आता है और वो बाप खुश होकर अपने बेटे के हक में दुआ करता है तो अल्लाह वो दुआ कबूल करता है। दूसरा, जब किसी पर जुल्म होता है और वो मजलूम जालम के लिए बद दुआ करता है तो अल्लाह उस मजलूम की दुआ को कबूल करता है। और तीसरा, जब कोई अल्लाह के घर का तवाफ़ करे और तवाफ़ के दौरान दुआ करे तो अल्लाह वो दुआ को कबूल करता है। और चौथा, जब कोई रोज़ादार रोज़ा अफ्तार करते वक्त दुआ करता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि आसमानों के दरवाजे इनकी दुआओं के लिए खोल दो और ये जो भी दुआ मांगे इन्हें वो अता कर दो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।